गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, मैं बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इस फ्लावर्स के ऊपर। इसका नाम है पैंसी फ्लावर, बटरफ्लाई फ्लावर, और भी इसके बहुत से नाम हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बटरफ्लाई फ्लावर भी इसको बोल सकते हैं और पैंसी भी। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास येलो ही कलर का है। इसमें बहुत से कलर मिल जाते हैं, जो चाहे कलर ले सकते हैं हम, लेकिन मेरे पास यही एक कलर का प्लांट है। सो फ्रेंड, आप देख लीजिए फ्लावर कितने अच्छे खिले हुए हैं। सो ये देख सकते हो, इसके ऊपर ना इसका बटरफ्लाई नेम, इसके जो बना हुआ है पिक्चर बोल सकते हैं हम, एक नेचुरल पिक्चर बनी हुई है, वो भी बटरफ्लाई की। मींस इसी से इसका नाम बटरफ्लाई फ्लावर भी पड़ा है। सो फ्रेंड्स, इसकी केयर हमें कुछ नहीं करनी, बस सॉइल हमें मिक्स एंड मैच करके रखा हुआ है। जो मेरे इसमें मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं, जो मैंने कल ही लगाए हैं। सो फ्रेंड्स, तब तक जब तक मिर्ची के प्लांट बड़े हो गए, तब तक हमारे जे पैंसी के फ्लावर खिलकर हट चुके होंगे। और जे विंटर का बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है फ्रेंड्स, इसको हमें ज़रूर लगाना चाहिए, और इसकी सुंदरता ब्यूटीफुलता बहुत ही अच्छी है। सो फ्रेंड्स, सॉइल हमें वही मिक्स चाहिए है, गार्डन सॉइल, सैंड, काउडंग, इन तीनों का मिक्सर कर मेरा इसमें डाला हुआ है। फर्टिलाइजर फ्रेंड्स, हफ्ते में एक बार हम दे सकते हैं इसमें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से है। पहला तो है फ्रेंड्स, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र हम ऑनियन फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑनियन पिल्स जो होते हैं, उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वैसे भी हम मस्टर्ड केक एक दो पीस छोटे छोटे डाल सकते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, काउडंग होता है जो, वो भी हमें डालना है। जब हम मिक्स करते हैं हम अपनी सॉइल को, तब हमने इसमें काउडंग डाल देंगे तो अच्छा रहता है। तो हम 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, हमें चेंज करते रहना चाहिए, कभी ऑनियन पिल्स का देना, कभी मस्टर्ड केक का देना है। मींस हमें एक ही फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। और ये सब मैं करती हूँ, इसकी वजह यही है कि इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये देख सकते हो कितने अच्छे फ्लावर खिले हैं, और वर्ड्स भी आई हुई है, न्यू वर्ड्स आई हुई है, और फ्लावर बहुत अच्छे खिले हुए हैं। सो फ्रेंड्स, यही है जो मैं डालती रहती हूँ। और चाय पत्ती होती है, जो वेस्ट चाय पत्ती है, उसको हम धोकर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें बस यही सब करते रहना चाहिए। और ये देख सकते हो, आपके सामने है रिज़ल्ट इसका कितना अच्छा आता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप भी ये प्लांट ज़रूर लगाएं अपने घर में, अपने घर को सुंदर बनाएं, और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर योर प्लांट्स।